एक बार राजा परीक्षित किसी तपस्वी ऋषि का अपमान कर देते हैं। ऋषिवर क्रोधित हो गए, सर्पदंश से मृत्यु का श्राप दे देते हैं। बहुत सावधानी रखने के बावजूद ऋषि बाणी अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपे दक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय पांडव वंश के आखिरी राजा को पता चलता है कि सांपों के राजा दक्षक नाग के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो वह क्रोधित हो जाते हैं और समस्त सांप का पूरा नष्ट करने के लिए वह यज्ञ का आह्वान करते हैं, जिसमें समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता देख तक्षक नाग सूर्यदेव के रथ में जाकर लिपटता है। अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता तो उसके साथ सूर्यदेव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जनमेजय समस्त सर्प जात का विनाश करने पर तुला था, इसलिए देवगण उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते पर वह नहीं मानते। अंत में आस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से अजमेर यज्ञ का रोक देते हैं और